लगेगी से, पर पर वेदांत और सोरा की सगाई होगी ध्वनि का प्लान सारा फेल हो जाता है मतलब ध्वनि को भाई पैसे चाहिए थे ना और पैसे लेके वो चली जाती है यहाँ पर उसकी जो वेदांत की माँ है उसको 40 लाख रुपए देती है और बोलती है कि तुम अब वेदांत की प्यार मुझसे किया शादी का वादा किया और शादी किसी और से करने जा रहे हो तुम अपनी निशा को ऐसा नहीं भुला सकते वेदांत जिंदगी से बाहर चली जाने वो बाहर तो नहीं जाती है क्योंकि भाई उसका प्लान ये है कि वो शादी करेगी यहाँ पर और बोल भी देती है कि ठीक है मैंने अभी तो छोड़ दिया है लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके ना भाई किसी तरह यहाँ पर सोरा की जगह लूंगी और वेदांत के साथ ही शादी करूंगी हम किसी निशा विशा को नहीं जानते सोरा भाई हम देख रहे हैं कि भाई सारे घर वाले इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर सगाई वगाई तो हो गई अब इसके बाद मेहंदी की रस्म हो रही है मेहंदी में ना भाई एक बहुत रोमांटिक सा डांस भी करते हैं स्वरा और वेदांत जिसे देखकर ध्वनि बहुत गुस्सा कर रही है उसको बहुत जलन हो रही है और यहाँ पर अब ध्वनि चलती है बड़ी चाल और यहाँ भाई देखेंगे हम किस तरीके से एक लड़की की फोटो ले आती है जो वेदांत के साथ है और बता देती है कि भाई जो हमारे जीजा जी है ना उनका ऑलरेडी अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ पहले तो ये सुन के वेदांत के होश उड़ जाते हैं यहाँ पर वेदांत की माँ को तो समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई ना कोई चाल चल रही है उनको पता ही है ना कि भाई वो वेदांत

और यहाँ पर भाई स्वरा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है ये मुझे ऐसे क्यों बार बार बोल रही है तो देखते हैं अभी आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहां पर भाई वेदांत और स्वरा की शादी हो पाएगी या फिर स्वरा और घर वाले शादी तोड़ देंगे क्योंकि अफेयर की बात आ गई और ध्वनि तो यही चाहती थी